सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल पंसारी के नुस्खे पर। साथियों, प्रकृति ने हमको बहुत सारी ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ दी है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथियों, इन जड़ी बूटियों के सेवन से हम सदा स्वस्थ व निरोगी रह सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में बहुत ही असरदारक है। जी साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मडंडी के फायदे के बारे में। साथियों, ब्रह्मडंडी का सेवन अधिकतर गर्मियों के मौसम में किया जाता है। इस दवा के सेवन से जो शारीरिक गर्मी है वो दूर हो जाती है। साथियों, इस दवा के सेवन से जो पेशाब में धात जाती है, जो पेशाब करते समय धात जाती है वो दूर हो जाती है। साथियों, इसके सेवन से जो पेशाब की जलन है और जो पेट में गर्मी है, जो पेट की गर्मी है, जो शीघ्र पतन की समस्या है, पेशाब पीले रंग का जाता है, वह भी इसके सेवन से दूर हो जाता है। साथियों, सभी प्रकार की शारीरिक गर्मी को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है यह ब्रह्मडंडी। साथियों, बार बार मुँह में छाले होना, थकावट सी महसूस होना, चक्कर आना, किसी काम में जी नहीं लगना और थोड़ी सी मेहनत काम करते ही थकान सी महसूस होना, साथियों, उसमें इस ब्रह्मडंडी का सेवन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। साथियों, लगातार कुछ दिनों के इस्तेमाल से जो आपकी शारीरिक गर्मी है वो दूर हो जाती है और शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। तो चलिए साथियों, अब बताते हैं आपको कि इस ब्रह्मडंडी का उपयोग आपको किस प्रकार करना है। साथियों, आपको लेनी है 100 ग्राम ब्रह्मडंडी। जी साथियों, 100 ग्राम ब्रह्मडंडी लेनी है आपको और 250 ग्राम बाल मिश्री। साथियों, ये दोनों दवाएं आपको आपके आसपास जो भी पंसारी है उसकी दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अब साथियों, बताते हैं इनको आपको कि इनका इस्तेमाल किस प्रकार करना है। साथियों, जो 100 ग्राम ब्रह्मडंडी है और जो 250 ग्राम मिश्री है उसकी आप 5-5 खुराक कर लीजिए। जी साथियों, जो 100 ग्राम ब्रह्मडंडी है उसकी 5 खुराक कर लीजिए और जो 250 ग्राम मिश्री है उसकी भी आप 5 खुराक कर लीजिए। तो साथियों, जो 5 खुराक करी है आपने इन दोनों चीज़ों की, तो एक एक खुराक को अलग अलग दोनों जगह मिट्टी के बर्तन भिगो दीजिए। जी साथियों, ब्रह्मडंडी को अलग से मिट्टी के बर्तन भिगो दीजिए और मिश्री है जो उसको भी अलग से मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। तो साथियों, सुबह खाली पेट आपको जो ब्रह्मडंडी है उसको छान लीजिए, छान के थोड़ा मथ लीजिए, मथने के बाद जो उसका खोकस है उसको फेंक दीजिए और जो पानी है ब्रह्मडंडी का उसमें मिश्री मिलाकर आपको सुबह खाली पेट रोजाना पीनी है। जो साथियों, ये 5-7 दिनों के इस्तेमाल से ही आपकी शारीरिक गर्मी कम हो जाएगी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।